दोस्तों कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से बिल्डर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 11वां भाग लेकर के आया हूँ। और यदि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप बने रहिए और मैं आपको हर रोज़ जो है कि वीडियो प्रोवाइड करके आपकी तैयारी को और मजबूत बना दूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरा अपडेट मिल जाएगा। यदि आप टेक्निकल से हैं और टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्डर वालों के लिए मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि यदि उनका तैयारी अगर और स्ट्रॉन्ग करना है तो फीटर का भी जो क्वेश्चन है उनको भी देखें, क्योंकि आपका ट्रेड मैकेनिकल ट्रेड है तो आप फीटर का भी जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको भी आप देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा उससे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी देखिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि फीटर और बेल्डर ये सब कॉमन ट्रेड है, या मैकेनिकल का भी कुछ क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि अभी CBT 2 का डेट निकल चुका है और उसका तैयारी बहुत जल्दी करना है, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। परमाणु निम्नलिखित में किस कण के बने होते हैं? तो परमाणु जो है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का बना होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भार के अनुसार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना कम भारी होता है? ठीक है, तो ये जो है कि 1840 गुना कम भारी होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिस वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होती है वह वस्तु निम्न चार्जित होती है, तो ये निगेटिव चार्जित होती है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में बिजली के कौन से प्रकार हैं? ठीक है, तो बिजली के प्रकार जो है कि स्थिर बिजली और गतिशील बिजली दोनों है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। पांच नंबर क्वेश्चन को देखिए। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन को देखिए। विद्युत धारा को निम्नलिखित में किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा को जो है हम मापते हैं एम्पियर में, ठीक है, इसका आंसर होगा एम्पियर। सात नंबर क्वेश्चन देखिए। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस मात्रक में मापा जाता है? ठीक है, तो इसको जो है कि हम वोल्ट में मापते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है कि वोल्ट में मापा जाता है। आठ नंबर है, जिन पदार्थों में से विद्युत धारा नहीं गुजरती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। नौ नंबर है, करंट की प्रति सेकंड दिशा बदलने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी के मात्रक बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कि हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज। और ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन से प्रकार हैं? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रकार जो है कि श्रेणी सर्किट और समांतर दोनों है, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, सी होगा इसका आंसर। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो की दर को किससे मापा जाता है? तो ये जो है कि आपको एम्पियर मीटर से मापा जाता है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है कि आपको ओम मीटर का और मेगर का दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए इसका सी होगा आंसर दो।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका जो है कि ओम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की इकाई ओम है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने का सूत्र है, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने का सूत्र है, वो है सूत्र I² RT, ठीक है, इसका आंसर बी होगा I² RT। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा बिजली का सेफ्टी वाल्व है? ठीक है, सेफ्टी वाल्व जो है कि फ्यूज है, फ्यूज सेफ्टी वाल्व है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब बिना किसी रेजिस्टेंस के विद्युत प्रवाह परिपथ के दो तार परस्पर मिल जाए तो उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? जब बिना किसी रेजिस्टेंस के विद्युत प्रवाहित परिपथ के दो तार परस्पर मिल जाए तो उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो उसको जो है कि हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। 18 का है, बिजली का कम करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिजली का कम करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर है, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसको हम कहते हैं विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। 20 नंबर है, वह यंत्र जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, अब देखिए यांत्रिक से विद्युत में बदला जाता है उसको हम जनरेटर बोलते हैं या डायनमो बोलते हैं, ठीक है, डायनमो जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कितने वाट को 1 किलोवाट कहते हैं? कितने वाट को 1 किलो, तो 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एसी आर्क वेल्डिंग में कितने वोल्ट पर करंट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? एसी आर्क वेल्डिंग में कितने वोल्ट पर करंट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है कि 80 के आसपास प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में बिजली के कौन से प्रभाव है? तो चुंबकीय, उष्मीय और रासायनिक, विद्युत का ये तीनों प्रभाव है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका जो है वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, यही सही है, वाट बराबर वोल्ट बटा एम्पियर नहीं होता है, वाट बराबर एम्पियर बटा वोल्ट नहीं होता है, इसका ए आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटा विद्युत धारा, और बी है प्रतिरोध बराबर वोल्टेज गुने विद्युत धारा, और सी है प्रतिरोध बराबर विद्युत धारा गुने सॉरी बटा वोल्टेज, और डी बराबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं आर बराबर वी बाई आर, और आर बराबर वी गुने आई, और आर बराबर वी गुने सॉरी आई गुने आई बटा वी मतलब वोल्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सही होगा कि R बराबर वी बाई आई होता है, ओम के नियम से चलेंगे तो रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्टेज बटा करेंट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और फीटर का भी है और वेल्डर का, खास करके दो ही ट्रेड का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। तो आप इसको, और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा सब्सक्राइब न करें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, सो थैंक यू। यदि मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करें और सवाल पूछें।